बोधि धर्मा कहें, कुछ लोग बोधि धर्मन कहते हैं, कुछ लोग बोधि धम्मा कहते हैं। और ये एक ऐसा टॉपिक है जो भुला दिया गया, विशेषकर भारत से। अपने देश में एक सबसे बड़ी खासियत ये रही है कि यहाँ पे पिछले 1000 साल में 700-800 साल तो देश गुलाम रहा, पर इस गुलामी में भी कुछ लोग अपने को विद्वान कहते रहे और दिन रात विदेशी शासकों की चाटुकारिता करते रहे। कहने को इतिहास संजोने के नाम पर उन्होंने सिर्फ चाटुकारिता भरी और ख्याली पुलाव भरी किताबें लिखी, पर भारत में जिन लोगों ने पूरे दुनिया को कुछ दिया उस चीज को भुला दिया, कभी उसका इन्होंने जिक्र तक नहीं किया। न तो इन्होंने भारत के एक भी बौद्ध विश्वविद्यालयों का जिक्र किया, इन्होंने हर चीज काल्पनिकता का जिक्र किया, काल्पनिक गुरुकुल का जिक्र किया, पर कभी भी भारत के विश्वविद्यालय जो खुदाई में मिल रहे हैं उनका नहीं जिक्र किया। यहाँ के उन लोगों का भी जिक्र नहीं किया जिन लोगों ने दुनिया को किसी ने मार्शल आर्ट्स दिया, जैसे आज हम बोधि धर्मन की चर्चा करने वाले हैं, जिनको कहा जाता है फाउंडर ऑफ कुंग फू या फाउंडर ऑफ मार्शल आर्ट कहा जाता है। आप चीन चले जाइए तो चीन में वहाँ के जो मॉन्क्स हैं वो इनको पूरा क्रेडिट देते नजर आएंगे कि इन्होंने हमें सिखाया। आप शाओलिन के टेम्पल्स में चले जाएं, वहाँ पे वो कहते नजर आएंगे कि हाँ भारत से एक आए हुए थे। वहाँ के स्क्रिप्चर्स जो मिलते हैं 6th-7th century के जो स्क्रिप्चर्स मिलते हैं, जिस दौर में वो वहाँ गए थे उस दौर में वहाँ के जो भिक्खु जब बुद्धिस्ट स्क्रिप्चर्स की टीका लिख रहे थे, क्योंकि यहाँ पे पाली में था ऑफकोर्स, और जब वो चाइना में जाता है तो वहाँ पे उसके टिकाएँ लिखती हैं, उस पर कमेंट्रीज लिखी जाती है, वो लोग चर्चा कर रहे हैं बोधि धर्मन की अपने स्क्रिप्चर्स पे। पर भारत एक ऐसा देश रहा जिसने कभी इनका जिक्र नहीं किया। आज आपको ऐसे तमाम लोग मिल जाएंगे जो ये कहेंगे कि बोधि धर्मन ब्राह्मण थे, जिनका भी सबूत मिल जाए इतिहास में उसको ये क्या कहते हैं, वो ब्राह्मण थे। भाई जब ब्राह्मण थे तो तुमने अपने काल्पनिक कोई नाक से छींक के बच्चे पैदा करने वाले का, मुंह से बच्चा पैदा करने वाले काल्पनिक काल्पनिक चीजों का उन ब्राह्मणों का नाम याद रखा, जंग से पैदा कर दिया, नियुक्त करके पैदा कर दिया, और मछली से पैदा, उन सारे काल्पनिक काल्पनिक ब्राह्मणों का नाम याद रखा, पर जो वास्तव में अगर ये ब्राह्मण थे तो इनका नाम क्यों नहीं याद रखा फिर? और आज अगर इनके सबूत किसी दूसरे देश से मिल रहे तब ये ब्राह्मण हो गए। तो ये हमें पहचानना होगा दोस्तों, अभी भी आज के भी डेट में वही भारत के जिन लोगों ने, जिन बौद्ध भिक्खुओं ने पूरी दुनिया में परचम फैलाया, भारत को विश्वगुरु बनाया, आज उनके ऊपर फिर से एक दूसरे तरीके से उनको कब्जा करने की, उनका ब्राह्मणीकरण करने की कोशिश हो रही है। बौद्ध भिक्खु लोग ऐसे सेल्फ डिफेंस की ऐसी तरह तरह की तरकीब जब दूसरे देशों को सिखा सकते थे तो भारत के लोगों ने इनसे क्यों नहीं सीखा? ये बहुत बड़ा एक सवाल है। क्या ऐसा तो नहीं कि भारत में भी ये चीजें सिखाई तो जा रही थी पर कुछ लोगों ने गद्दारी करके और पूरे नामो निशान मिटवा दिए यहाँ से, विदेशियों ने इसकी कद्र की, पर हमारे यहाँ जो अपने को सो कॉल्ड मुंह से पैदा हुए बताते हैं, इन लोगों ने पूरा इतिहास ही बर्बाद कर दिया और अल्लाह उपनिषद बैठ कर लिखने लगे और मुगलों को अपना ब्राह्मण भाई बताने लगे, पिछले जन्म का शंकराचार्य के खानदान का बताने लगे। ये बहुत बड़ा सवाल है जो आपसे छुपाया जा रहा है, हमसे छुपाया गया है सदियों से। खोज बुद्धिस्टों का है, फिर भी जबरदस्ती जो है बुद्धिस्ट की खोज को बाबूजी का बताने में इनको शर्म नहीं है, लेकिन बुद्धिस्ट को अपना बाबूजी बताने में शर्म आती है। इसमें ये दिखाया गया कि जो जीव जंतु है, जैसा कि आप जानते हैं कि बौद्ध जातक कथाओं की भी आपने कहानियां पढ़ी हैं, सुनी हैं, देखी हैं, उसमें आप जानते होंगे कि उसमें जीव जंतु भी एक बोधिसत्व की तरह बताए जाते हैं, कि वो भी अगर अच्छे से ट्रेंड हो वो भी समझते हैं इन बातों को। इसमें भी दिखाया गया कि एक बहुत मोटा पांडा है और वो उसको सब लोग समझते हैं बहुत लेजी है, कुछ नहीं कर सकता, कोई दूसरा एडॉप्टेड किया हुआ है, एक बतख जो है एडॉप्टेड किया हुआ है उसको पालता है, और फाइनली देखा जाता है कि वो एक सबसे बड़ा योद्धा बन के आता है। यानी कि इस मूवी ने बुद्धिज्म की जो कोर फिलॉसफी है उस चीज को दिखाया पूरी दुनिया को। सिर्फ कुंगफू की जो फाइट आपने देखी वो तो एक फाइट थी, वो तो सिर्फ एक फाइट थी जिसका क्रेडिट बोधि धर्मन को दिया जाता है कि उन्होंने कुंगफू दुनिया को सिखाया। यहाँ पे बात थी इस फिल्म के मोटो की भी, कि उसने पूरा एक जैन की ये बुद्धिज्म की एक फिलॉसफी दिखाई। जो जैन शब्द मैंने बोला ये बड़ा एक इम्पोर्टेंट चीज है, जैन बुद्धिज्म, इनको क्रेडिट दिया जाता है बोधि धर्मन को कि इन्होंने सिर्फ कुंगफू ही नहीं बल्कि जैन बुद्धिज्म को भी चीन लेके गए थे। अब जैन मतलब वो जैन मत समझ लीजिएगा, वो दैट डिफरेंट चीज है, जैन बुद्धिज्म, महायान जैन बुद्धिज्म। साथ में इनको इस बात का भी क्रेडिट दिया गया कि इन्होंने भारत से चाय, जो चाय हम पीते हैं, अभी आपने सुना होगा कि अंग्रेज आए थे तो हमको चाय पिलाए थे, पर जब मैंने बोधि धर्मन का अध्ययन किया तब मुझे पता चला कि चाय जो है ये तो बुद्धिस्टों की खोज थी भारत में।